झुकी झोपड़ी के प्रदेश संयोजक पारेश्वर बाग से पूरब टाइम्स ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपने विचार पूरब टाइम्स को कुछ इस तरह से बताए। भाजपा के सभी कार्यकर्ता योग्य हैं, जो भी निर्वाचित होकर विधानसभा में पहुंचे हैं सभी लोग योग्य हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व तो प्रदेश नेतृत्व तो जिसको भी जिम्मेदारी देगा वो हमें स्वीकार है। पहले पिछले साल पिछले पंचवर्षीय की अपेक्षा इस बार कितनी उम्मीदें हैं और कितने आशंकाएं होंगी और कितनी शंकाएं? देखिए, आप पिछले 15 साल में 15 साल के भाजपा शासन काल में जो विकास कार्य हुआ वो सबको दिख रहा है। जनता के मन में परिवर्तन का लहर आया, 5 साल इनको भी दिया कांग्रेस को। आप लोग पत्रकार हैं, देखते हैं कि इन 5 सालों में कोई एक ऐसा काम बताइए जिसका भूमि पूजन कांग्रेस सरकार ने किया और जिसका उद्घाटन कांग्रेस सरकार ने किया, ऐसा अगर है तो बताइए। जनता में कांग्रेस के प्रति निराशा आई है और इसलिए उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद फिर से भाजपा को काम करने का अवसर दिया है। भाजपा विकास करेगी, हर क्षेत्र में विकास करेगी, है ना, सड़क नाली पानी बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के गरीब कल्याण की जितनी योजना है। हमारी तो नारा है कि गांव गरीब किसान, है ना, गांव का गरीब का किसान का सबका उन्नयन करना है। हम अंत्योदय की कल्पना करते हैं कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति अंतिम में खड़ा है उसका उदय कैसे हो। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो है हमारी सरकार योजना बनाती है, राज्य के अंदर भी केंद्र के अंदर भी, और इन्हीं को लाभ दिलाती है। इसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये जिसके पास घर नहीं है उसको, जो अंतिम व्यक्ति है जिसके पास घर नहीं है उसको घर देने के लिए ही ये आवास योजना चालू किया है। इसी तरह से जितनी भी योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो इसको ध्यान केंद्रित करके ही योजनाएं तैयार की जाती है। अभी मंत्रिमंडल में योग्यता और अनुभव को महत्व देंगे कि युवाओं को महत्व देंगे, आप अपने विचार? देखिए, मेरा विचार है कि मैं पहले ही बोला कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता अनुभव रखता है ना, वो विधानसभा में है तो अनुभव रखता है, विधानसभा से बाहर है तो अनुभव रखता है। हर एक कार्यकर्ता अनुभवी है, जिसको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा आप देखेंगे वो निखर के आएगा और बहुत अच्छा काम करेगा। और आपके क्षेत्रीय विधायक को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो ये चौथी बार विधायक के रूप में आए हैं और उनको क्या बड़े पद मिलना चाहिए? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी किसको बड़ा पद देना है किसको छोटा पद देना है, है ना, पद नहीं देना आप, और हमारे यहाँ पद के लिए कोई लालायित नहीं है जी, जिसको अवसर मिलेगा वो काम करके दिखाएगा। और हमारे क्षेत्र के विधायक राजेश मूणत जी ने पूरे प्रदेश के अंदर काम किया है, उनका काम किसी से छिपा नहीं है, है ना। आप रायपुर शहर ही नहीं पूरे प्रदेश में आप जहाँ भी देखेंगे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है उसके बाद या उसके पहले किसी मंत्री ने नहीं किया है। छत्तीसगढ़ की जनता को आप क्या संदेश देंगे? छत्तीसगढ़ की जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 5 वर्ष में इस प्रदेश का संपूर्ण विकास करेगी और गांव गरीब किसान को ध्यान में रखते हुए ही हमारी जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको लाभ दिलाने का हर कार्यकर्ता अथक प्रयास करेगा। कांग्रेस ने जिन घोषणाओं को लागू किया था और उनका लाभ भी मिल रहा था, तो अभी भाजपा सरकार आने के बाद उसको लगभग समीक्षा करेंगे ऐसा करके बोल रहे, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर मेरा विचार है कि कांग्रेस सरकार की जो भी योजनाएं थी उसको जनता ने नकारा है। आप 2 रुपए में गोबर खरीदने की बात करते हैं और 10 रुपए में उसी को खाद बना के बेचते हैं और लेना अनिवार्य है, लेगा नहीं किसान तो जाएगा क्यों, क्यों उसका सोसाइटी से पैसा आप नहीं भी लोगे गोबर तो भी पैसा कट जाएगा, कितना आपको 1 एकड़ जमीन है 2 एकड़ जमीन है 5 एकड़ तो उसका निर्धारित है कितना आपको गोबर खाद लेना है। तो 2 रुपए में अपनी चीज को बेच के उसको 8 रुपए महंगा खरीदना, उससे अच्छा तो गाँव का जो किसान होता है उनका एक घुरुआ होता है उसमें गोबर इकट्ठा कर लेता है वो खाद बन जाता है फ्री में, उसको क्यों 8 रुपए देना। तो इस तरह की योजनाएं जो जनता के लिए हितकारी नहीं हो तो बंद होनी चाहिए।